नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको NRI पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा। NRI पर्सनल लोन मतलब जो हमारे NRI भाई बहन हैं उनको जो पर्सनल लोन इंडियन बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक इनके द्वारा जो दिया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। किस तरीके से एक अप्रवासी भारतीय बैंकों से लोन ले सकता है। देखिए, पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि इसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी कोलैटरल नहीं रखनी पड़ती बैंक के पास। टोटल ये आपकी पर्सनल गारंटी के ऊपर ये लोन मिलता है। आप पर्सनल लोन को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शादी के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, घर के रिनोवेशन के लिए, वैकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी। यानी कि बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इस पर्सनल लोन को किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है भारतीय बैंकों में वो क्या है कि जिससे आपको पर्सनल लोन मिल जाए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपका NRE NRO अकाउंट इंडिया के किसी भी बैंक में होना चाहिए और कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए और उसके अंदर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करे हों। क्योंकि आपकी जो पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपके जो रिमिटेंस आपने भेजा है उससे ही कैलकुलेट होगी। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, लेकिन अगर आपने रिमिटेंस उसके प्रोपोर्शनेट नहीं भेजा तो हो सकता है आपका NRE अकाउंट होते हुए भी आपको लोन ना मिले। 6 महीने के ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं। और हाँ, दूसरा, आप जहाँ भी जॉब करते हैं यूरोप या अमेरिका में, तो आपकी सैलरी INR में कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से कम की फाइल लॉगिन तो हो जाती है, लेकिन कई बार वो सैंक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। देखिए, अगर आप सैलरी क्लास हैं तो कम से कम 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो 3 साल बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में। मतलब NRI पर्सनल लोन सैलरीड क्लास को भी मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिल सकता है जो विदेश में काम कर रहे हैं। अब बात आती है को एप्लीकेंट की। NRE पर्सनल लोन के लिए आपको कोई ना कोई इंडियन को एप्लीकेंट रखना पड़ेगा और को एप्लीकेंट जनरली बैंक ब्लड रिलेटिव्स को ही रखते हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, यानी कि ब्लड रिलेटिव्स को ही आपको को एप्लीकेंट बनाना है। जब आपकी फाइल लॉगिन होगी, चाहे HDFC बैंक में हो, चाहे कोटक बैंक में हो, चाहे ICICI बैंक में, NRI का इंडिया में होना जरूरी है लॉगिन करते वक्त फाइल को। यानी कि ऐसा नहीं है कि NRI यूरोप में है और फाइल लॉगिन हो जाएगी। NRI जब इंडिया विजिट करेगा फाइल लॉगिन हो जाएगी, चाहे उसके बाद वह विदेश में चला जाए, डिसबर्समेंट हो सकता है अगर वो विदेश में रहे, फाइल लॉगिन इंडिया में हो जाए तो भी, लेकिन एक बार के लिए इंडियन ज्योग्राफिकल लोकेशन में उसको आना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अलग डॉक्यूमेंट है। बेसिकली सिंपल है, सैलरीड क्लास के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 6 महीने का फॉर्म 6, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म 16। ये और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। लोन अमाउंट NRI पर्सनल लोन 10 करोड़ तक का मिल जाता है, यानी कि इसकी 10 करोड़ तक में आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब बात आती है लोन टेन्योर की। लोन रीपेमेंट के लिए आपको 5 साल मतलब 60 मंथ्स तक का टाइम इसमें मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो NRI पर्सनल लोन थोड़ा ऊंचा हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। 15% से इसकी इंटरेस्ट रेट शुरू होती है, 20% तक जाती है। एक्चुअली हाई इंटरेस्ट रेट मिलने का रीज़न ये है कि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो इसमें बैंक की रिस्क ज़्यादा होती है क्योंकि बैंक के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं रिकवरी के लिए। बात करते हैं अब कैसे अप्लाई करना है। देखिए, आप डायरेक्ट बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमारे माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर प्राइवेट लिमिटेड। हम बहुत बड़े DSA एजेंट्स हैं, लगभग 2000 कनेक्टर्स हमारे अंडर काम करते हैं। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, जिसका GSTN नंबर भी है। आपको सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना है, आगे की पूरी प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव जो NRI है उसको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, तो उसकी पर्सनल लोन की फाइल आप हमें रेफर कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। मान के चलिए वो पर्सनल लोन की फाइल अगर 50 लाख के ऊपर हुई तो हम आपको 2% कमीशन देंगे, 25 लाख से 50 लाख पे 1.5%, 25 लाख से नीचे 1%।
हमारे पास रेफ़र करने का सिंपल तरीका है, हमारे व्हाट्सएप नंबर से हम पे संपर्क करो, हमारे DSA ग्रुप से जुड़ जाओ। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जितना बिजनेस आप सोर्स करोगे आपको उस हिसाब से कमीशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।